अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग नए स्टोरी बेटी की जरा किस तरह वीडियो अपलोड कर सकते हैं विद बेस्ट सेटिंग्स इन 2020। तो आप लोगों ने अपना यूट्यूब चैनल खोल लेना जहाँ पे आप लोगों ने वीडियो अपलोड करनी है जिस चैनल पे, तो आप लोगों ने अपलोड वीडियो पे चला जाना। उसके बाद आप यहाँ से फाइल सेलेक्ट कर लें आप लोगों ने जो अपलोड करनी। तो ये मैंने एज ए सैम्पल वीडियो ली है, कॉपीराइट आ जाएगा इसलिए मैंने प्ले करके नहीं दिखाई। तो इधर आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में डाल देना है ट्रेंड नोट टू कॉपी ऑफ दिस, ट्रेंड नोट टू कॉपी एनी ऑफ दिस वीडियो पार्ट। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये मैंने आप लोगों को सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए बताया। उसके बाद अपलोड थंबनेल पे अपलोड करके भी दिखा देता हूँ आपको। तो आप लोग कुछ भी अपलोड कर सकते हैं, अगर आपकी प्लेलिस्ट है तो यहाँ से आप लोग प्लेलिस्ट में भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद बास के चैनल पे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होता है कि उसके साथ ना तो बेल की नोटिफिकेशन आती है और ना ही आप उनकी शेयर वगैरह भी, आप उनकी जो वीडियोज़ को नहीं कर सकते तो इसकी वजह से होता है। अब यस करेंगे तो इसके ऊपर आपकी जो है लिखा हुआ है यहाँ पे लाइक पर्सनलाइज एड्स, मतलब इन इसके ऊपर आपकी एड्स नहीं, नोटिफिकेशन बेल नहीं और वीडियो में रिकमेंडेड, ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होंगे। इस पर ना आप अर्न कर सकते हैं और नहीं आप लोग किसी को इसी तरह का, अगर किसी का चैनल किड्स पे तो आप उस चैनल की बेल नोटिफिकेशन भी नहीं दबा सकते। उसके बाद इस पे आप लोगों को दो ऑप्शन मज़ीद दो ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप इसको ये कर देंगे तो इसके लिए आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस के लिए गाइडलाइंस के हिसाब की वजह से फिर आप लोगों को मेल के लिए अप्रूव करना पड़ेगा, तभी आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। इससे आप लोग के आपकी वीडियो भी रिस्ट्रिक्ट नहीं होगी और किसी एज के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी वीडियो पे आपकी, और बैन नोटिफिकेशन और बाकी एड वगैरह भी अवेलेबल होंगे। उसके बाद टैग, ये जो टैग कॉलम है इससे टैग आपके काम नहीं करेंगे, तो आपको डिस्क्रिप्शन में टैग लगाना पड़ेगा हैशटैग इंफॉर्मेशन वीडियो, हैशटैग इंफॉर्मेशन वीडियो। तो यहाँ पे आपका चैनल जिस कैटेगरी के हिसाब से आप उसकी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपके जो सारे कमेंट्स हैं, या अगर आप स्पैम से बचना चाहते हैं तो होल्ड ऑल कमेंट्स फॉर रिव्यू, सारे कमेंट होल्ड होंगे, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से अप्रूव करते हैं कौन से डालते हैं। उसके बाद कौन से जो अच्छे कमेंट्स हैं वो पहले दिखाई दें या जो नए कमेंट्स आए हैं वो पहले दिखाई दें, तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। अगर ये ऑप्शन, अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरी वीडियो पे लाइक आए या ना आए, अगर आप लोग चाहें कि मेरा लिंक देख सकें कि मेरी कितने लोगों ने वीडियो डिसलाइक की है और कितनों ने लाइक की है, तो आप यहाँ से इसको अनचेक कर सकते हैं। उसके बाद ये 175 MB की है तो इसलिए लंबी फाइल। उसके बाद आप वीडियो से एलिमेंट, जब ये अपलोडिंग कंप्लीट होगी तो उसके बाद मैं आपको बाकी तरीका बताऊंगा। तो ये वीडियो हो गई अपलोड, तब इसके बाद इसमें ऐड स्क्रीन, इसका मतलब होता है कि आपकी वीडियो में जो लास्ट में होगी आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप अपनी मर्ज़ी का स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं कि एक सब्सक्राइब एक वीडियो चैनल आ गया। अब इसमें से आप जो खुद भी चॉइस कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब को कह दें कि आप जो नई वीडियो अपलोड करें वो इस वीडियो की लास्ट में आ जाए, और एनी वीडियो ऑन यूट्यूब सर्च करके भी उसको आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये वाली लगा देता हूँ, ठीक हो गया। तो आप सेव पे क्लिक कर देंगे तो ये हो गया। अब इसका मतलब होता है कि आपके जो चैनल के ऊपर आई बटन आ रहे होते हैं उसको कार्ड्स भी, उसको कार्ड्स कहा जाता है। तो कार्ड का मतलब होता है कि
आप ये वाली ऐड कर देते हैं तो इस तरह आपके जो व्यूज़ हैं दूसरी वीडियो के वो बढ़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो ये सेव कर देते हैं। नेक्स्ट करेंगे प्राइवेट का मतलब कि सिर्फ आप देख सकते हैं, अनलिस्टेड का मतलब होता है कि सिर्फ वही बंदे देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन के ज़रिए आ सकते हैं, बाय सर्च और बगैर और किसी तरीके से आपकी वीडियो नहीं देखी जा सकती, या फिर वो लोग जिनको आपने खुद लिंक शेयर किया उससे आ सकते। पब्लिक हर बंदा आपकी वीडियो देख सकता है, अगर आपने आपकी वीडियो 1 मिनट से लंबी है तो इस पे आप प्रीमियर पे क्लिक कर दें तो आपकी वीडियो जो लाइव चली जाएगी, आपकी जितनी मिनट की वीडियो होगी उस मिनट के बाद आपकी जो लाइव है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आप लाइव इसको शेड्यूल करना चाहते हैं तो आप शेड्यूल पे भी क्लिक कर सकते हैं, तो जो आप टाइम इधर सेट करेंगे सेट एज प्रीमियर कर देंगे, शेड्यूल कर देंगे, तो वो ऑटोमेटिक उसी टाइम पे खुद ही लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करके खुद ही जितनी मिनट की वीडियो होगी उस पे लाके ख़त्म कर देगा। तो हम इसको प्राइवेट कर देंगे क्योंकि मैंने ये वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है, सेव कर दें। प्राइवेट ये होता है कि अगर आपकी वीडियो कॉपीराइटेड है तो आप यहाँ से पहले रिमूव करके फिर आप पब्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह ये फ़ायदा होता है कि अगर वो वीडियो ऐसी है कि फ़ौरन स्ट्राइक वाली है तो इससे आपकी स्ट्राइक बच सकती है चैनल की, तो आप पहले प्राइवेट किया करके रखा करें 5 मिनट के लिए, उसके बाद पब्लिक किया करें ताकि आपको कॉपीराइट क्लेम्स का जो है वो आइडिया हो जाए। उसके बाद अब ये जो वीडियो है, अब जिस तरह मैंने आपके सामने बताया कि आपको टैग बॉक्स में टैग्स काम नहीं करेंगे तो आपको टैग डालने के लिए डिस्क्रिप्शन में टैग लिखना पड़ेगा तब वो इधर शो होगा। दूसरी बात उसमें आता है कि आपने कौन सा कंट्री सेलेक्ट करना है, तो वो कंट्री और टैग ये दोनों एट अ टाइम नहीं काम करेंगे आपके, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो मैंने प्राइवेट वीडियोस पे जिस तरह उसने बता दिया था कि जो आई बटन से शो नहीं होंगे तो वही है, तो अब मैं अगर इसको आप लोगों के लिए पब्लिक कर दूं तो ये पब्लिक कर दी मैंने आप लोगों के लिए, तो आप देख सकते हैं आई बटन भी आ गए और आखिरी चंद सेकंड में जो मैंने चैनल और वीडियो के आइकॉन डाले थे वो भी आ गए। तो लाइक वगैरह सारा कुछ आ जाएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दें। तो अगली वीडियो के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।